वो थोड़ा सा दूर रखना गया है। बिहार में एक तरफ जहां आरजेडी ने अपने तमाम विधायकों को तेजस्वी आवास के अंदर कैद करके रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू के तमाम विधायक विजय चौधरी के आवास पर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। कुर्सी बचाने की कवायद जदयू अब कर रही है, कुर्सी बचाने की कवायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार तो बिहार में एक बड़ी सियासी उलटफेर के बाद बन गई है, लेकिन फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। और इस फ्लोर टेस्ट के पहले जो दावा आरजेडी कर रही है, जो दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि खेला होने वाला है, आंकड़े का सब खेल है, क्योंकि 115 विधायकों की संख्या महागठबंधन के पास है, वहीं 128 विधायकों की संख्या एनडीए के पास है। और इस बीच तमाम दल अपने अपने विधायकों को एकजुट करने के प्रयास में लगी है। और देखिए यह तस्वीर, जदयू कोटे से आने वाले बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास के बाहर की है। अंदर जदयू के तमाम विधायक पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर पहुंच चुके हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि मुख्यमंत्री बाद में पहुंचते हैं किसी भी कार्यक्रम में, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेचैनी साफ दिख रही है। कल भी यह देखा गया था कि जब सरवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन किया गया था, तो वहां भी तमाम विधायक के पहुंचने के पहले मुख्यमंत्री पहुंच गए और सिर्फ 5 मिनट रुकने के बाद मुख्यमंत्री निकल गए, क्योंकि वहां पर विधायक की गिनती जब नीतीश कुमार ने तो 45 विधायक नहीं पूर रहे थे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 विधायक पहुंचे थे। और जब भोज समाप्त हुआ, मुख्यमंत्री निकल गए 5 मिनट में, और जब भोज समाप्त हुआ तो उस वक्त भी 45 विधायक नहीं गिन सकी जदयू, क्योंकि दर्जनों विधायक गायब थे। और जदयू ने आज बैठक बुलाई। अब इस बैठक में देखना दिलचस्प रहता है कि कितने विधायक मौजूद होते हैं, क्योंकि सब नंबर का आंकड़ा है और नंबर का खेल अब चालू हो चुका है बिहार में, क्योंकि बहुमत पुराना है। एक तरफ जहां एनडीए को बहुमत सिद्ध करना है, 128 विधायकों की संख्या जरूर हो एनडीए के पास, लेकिन जो खेला करने का दावा आरजेडी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, जो खेला होने का दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और जिस तरह से आरजेडी ने अपने तमाम विधायकों को तेजस्वी यादव आवास के अंदर कैद कर लिया है, वाम दल के भी तमाम विधायक उसी आवास के अंदर हैं, तो निश्चित तौर पर अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि बिहार में एनडीए सरकार अपना फ्लोर टेस्ट पास कर पाती है या नहीं। क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी ने अपने तमाम विधायकों को तेजस्वी यादव आवास के अंदर कैद कर रखा है, वहीं जदयू के तमाम विधायक बैठक में भाग लेने के लिए विजय चौधरी आवास पर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार विधानमंडल में 12 फरवरी को एनडीए की सरकार फ्लोर टेस्ट पास कर पाती है या नहीं, या फिर बिहार में एक नया समीकरण देखने को मिलता है, एक नई तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कुर्सी बचाने की कवायद शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के द्वारा आंकड़े पुराने का दावा किया जा रहा है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।